दोस्तों नमस्कार, आज मैं इतनी जरूरी ट्रेनिंग टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। एवरीबॉडी टॉक्स अबाउट बेंच प्रेस, स्क्वाट, एंड मैं ये बात बता रहा हूँ कि रैप्स कितने होने चाहिए और किस रैप का क्या मतलब है। आई एम टॉकिंग अबाउट रैप्स। फर्स्ट इज लो रैप्स। लो रैप्स का क्या काम है, देन मीडियम लो रैप्स, देन मीडियम रैप्स, देन हाई रैप्स। अंडरस्टैंड, इसके बारे में आज आपको मैं प्रैक्टिकली बताना चाह रहा हूं कि ये कब मसल मास के लिए काम करते हैं, कब मस्कुलरिटी के लिए करते हैं, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं है। क्यों मुकेश जी, कि कितने रैप किस ट्रेनिंग पीरियड में करने हैं। कि अगर आप मसल मास गेन कर रहे हो या स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं या आप मस्कुलर हो रहे हैं, तो उसके लिए मैं बता रहा हूं, आप मेरे साथ बने रहिए। अबाउट 12 रैप्स, नियर अबाउट 14-15 रैप्स और अबाउट, दैट इज फॉर मस्कुलरिटी। जब आप कॉम्पिटिशन टाइम में होते हैं तो तब आपको 15-20 रैप तक भी जाना है मस्कुलरिटी के लिए, एज पर योर बॉडी कंडीशंस। यस, बट मिनिमम क्रॉस 13-14 ऑलवेज, दैट इज कॉल्ड हाई रैप्स फॉर मस्कुलरिटी। अगर मस्कुलर चाहिए तो हाई रैप्स में जाना। चलिए स्टार्ट सुरेंद्र। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तीन और, 1, 2, 3, दो और मारो, 1, 2। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, when coach is there and he will count and he will check the 100%, वो कहाँ पे उसका, अभी ये 12 पे खत्म होने वाले थे, अगर आप खुद होते तो 13 पे रुकते, मैं इनको 16 पे ले गया। दैट इज द ड्यूटी ऑफ कोच, कि कैसे उसको मोटिवेट करके 3 से 3 रैप फालतू लगवाने हैं एट द टाइम ऑफ मस्कुलरिटी। मीडियम रैप्स, मीडियम रैप्स 7-12। 7-12 मीन्स मसल मास एंड क्वालिटी। मसल मास भी आएगा और क्वालिटी भी आएगी, बिटवीन 7-12 इसकी रेंज रहनी है। पहले 4-6 था, 6 को क्रॉस करके 7-12। अब 7-12 का मतलब भी समझ ले, मिनिमम 7, उससे अच्छे 9, 8, 9, 10, 12 बेस्ट है। चलिए मसल मास एंड क्वालिटी के लिए मीडियम रैप्स, कम ऑन मुकेश, मीडियम रैप्स, यस, मिनिमम 7, एंड देन जितने आप मारेंगे उतना अच्छा है, वो बैंक डिपॉजिट स्ट्रेंथ वाइज बढ़ता जाएगा और मास भी, मसल मास भी आएगा। कम ऑन, कम ऑन, चलो चलो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, दिस इज ऑल बोनस, 12, 11, 12, दिस इज ऑल बोनस, दिस इज ऑल बोनस। 7 इज द योर मंथली इनकम एंड 8, 9, 10 इज द बोनस, एंड इफ यू ऑलवेज विन द बोनस यू विल बिकम रिच। आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रेंथ, नॉट मनी, बट पैसे की बात जो नहीं समझ आती है, अंडरस्टैंड। सुरेंद्र 180 kg, 85-90 की बैच मारता है, तो दिस इज 140 kg। मीडियम रैप्स मीन्स 4-6 मिनिमम, मिनिमम 4, मैक्सिमम 6, दैट विल हेल्प यू टू मेक योर स्ट्रेंथ एज वेल एज थोड़ी हेल्प मसल ग्रोथ में भी देगा, लेकिन स्ट्रेंथ में ज्यादा देगा। दिस इज लो, लो मीडियम रैप्स, यस, चलो लो मीडियम रैप्स, 1, 2, 3, 4, दीज आर दी लो मीडियम रैप्स that will help you to make develop your strength as well as thodi si muscle ko bhi size mein help karega, bahut zyada nahi thodi। jaise ki maine low medium reps ki baat kar raha hu, pehle aap, maine aapko surender dikhaya because uska highest bench hai 185-90, now mukesh is 250 ke kareeb lagata hai, lekin wo equipped mein,
अभी ऐसे ये लो मीडियम रैप्स हैं, लो 4 to 6 मैंने बताया टू डेवलप योर स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ वर्क के लिए, बिकॉज अब आप बोलोगे 160 तो बहुत हैवी है, पर इनके लिए हैवी नहीं है, फिजिक टू फिजिक बात कर रहा हूं मैं, लीजिए 4 to 6 रैप लो मीडियम, 1, 2, 3, 4, 5, 1 more, 6, ये मैक्सिमम इसका स्ट्रेंथ में हेल्प है, थोड़ा बहुत मसल में है, बट व्हेन मसल ग्रोथ की बात होगी तो हम मीडियम रैप्स पे आएंगे, बट दिस इज टू डेवलप योर स्ट्रेंथ। लो मीडियम के 2 सेट मैंने बता दिए, और लो का मैंने बताया जो जब लो में आएंगे 1 to 3 रैप्स उसका रिपीट करेंगे 3 सेट्स, हमेशा ध्यान रखना लो रैप्स में जब 3-3 रैप्स में आएंगे तो 2 या 3 सेट हम करेंगे, ये है लो रैप्स। लो रैप्स 1 से 3 लो रैप जो हैं वो आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, मसल को साइज को बहुत कम, लेकिन स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए 1 से 3 रैप मीडियोकर है, लेकिन अगर 3 होंगे ना तो बहुत अच्छा होगा, 1 से 3 रैप लो रैप्स, दैट विल बिल्ड योर स्ट्रेंथ एंड वेरी लिटिल इफेक्ट ऑन योर मसल्स, बट 1 से 3 रैप जो है वो स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छे, जो कि आपको लिफ्ट बनानी है, यस 1 से 3 रैप, यस लो रैप्स, दिस इज कॉल्ड लो रैप्स, लो रैप्स। चलो तो दोस्तों, आज मैंने आपको बताया है लो रैप्स 1 to 3, मीडियम लो रैप्स 4 to 6, फिर मीडियम रैप्स 7 to 12, देन अबाउट 12 हाई रैप्स। कहां से आपको फिजिक शुरू करना है और कहां, देखिए ट्रेनिंग इस, मैं बार बार बोलता हूं, आज भी आपने वेरिएशन देखा होगा मुकेश का और इसका, बिकॉज उसका स्ट्रेंथ लेवल जो था उसका था, फिर रितेश को मैंने लगवाया। लो रैप्स की एक बात जरूर मैं बोलता हूँ, जब भी आप लो रैप्स में जाएंगे 1 to 3 उसको 3-3 सेट में रिपीट करेंगे, ये लोग तो उसमें ऊपर जाके भी करते ही करते हैं, आप भी करेंगे, लेकिन पहले आपको उसके लायक बनना है। देखिए आप शुरू में ही पहले आपकी नेचुरल ब्यूटी को आपको डेवलप करना है, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप, उसके बाद आप ऑर्नामेंट्स लाते हैं अपने आप को पहनने के लिए, परफ्यूम लाते हैं और पर्सनैलिटी बढ़ जाए और टी शर्ट, पहले अपनी फिजिक पे आप अगर बेसिक काम करोगे ना तभी इन चीज़ों को। हाँ मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ कि आप ऐसे लो रैप्स, मीडियम लो, फिर मीडियम, फिर हाई रैप पे जाए, पर हाई वाले में जब मस्कुलर होना है, अभी छोटे बच्चों को मैं नहीं बोलूंगा, छोटे बच्चे 13-14 रैप लगाएंगे उनका स्ट्रेंथ ही डेवलप होगा, है ना, बेसिक ट्रेनिंग में, तो आप ये बात ध्यान रख लेना, 12-14 रैप हम 15 लगवाते हैं लेकिन उनकी बेसिक स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए, शुरू से ही तो मस्कुलर कोई पैदा नहीं हुआ, ना मुकेश पैदा हुए ऐसे, ना सुरेंद्र पैदा हुआ, बॉडी बनाई जाती है, बॉडी होती नहीं है, बिकॉज याद रखना गॉड हैज गिवन यू द फिजिक 2-3 पाउंड्स ईच एंड एवरी पर्सन बॉर्न, बट वी डेवलप अवर फिजिक थ्रू प्रॉपर ट्रेनिंग एंड प्रॉपर डाइट। लव यू ऑल, थैंक्स हमारे को 1 मिलियन पहुंचाने के लिए, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस।